हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अपना ब्लॉग आज इवनिंग से शुरू कर रही हूँ, और जो मैंने बर्तन दोपहर में वॉश करके रखे थे तो वो सूख चुके हैं, तो अब मैं उनको लगा रही हूँ। और देन उसके बाद मैं जाऊँगी चावल, जो कुकर रखा हुआ है सामने उसमें चावल है, तो मैं उसमें चावल वॉश करके रखूँगी, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी फ्राइड राइस बनाऊँगी, थोड़े से ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आरना को भूख लगनी शुरू हो गई है। उसकी जो भूख है वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मतलब बच्चा जितना बड़ा होता जाएगा तो भूख तो उतनी लगती जाएगी। तो वो कह रही थी मम्मा भूख लगी है, तो मैंने उससे पूछा क्या बनाऊं, तो कह रही चावल चावल खाने थे उसको। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं चावल अलग तरीके से बनाते हैं, उसको पसंद भी आएंगे। तो बस यहाँ मैं उसको चावल वॉश करके रख रही हूँ, थोड़ी देर के लिए रखूँगी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, फिर उसने बोला कि चावल बना दो, फिर थोड़े से चावल मैं एक्स्ट्रा उबाल लूँगी, अगर मुझे कुछ और बनाना होगा चावल का, मतलब उसको पीले वाले चावल बना लूँगी वो बना लूँगी। और अभी मैं आरना के लिए बनाऊँगी चावल, फिर मैं आपसे अभी मैं आपसे फिर बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड इवनिंग। तो आज मैं अपना व्लॉग इवनिंग से शुरू कर रही हूँ। हाँ आरना, अंदर है, आज आज भी नहीं सोई है वो, 2-3 दिन से दोपहर में सोई नहीं रही है। और अभी मैंने ये जो कुकर है ना, इसमें मैंने रखा हुआ है चावल, रखे हैं आधे घंटे तक रखूंगी, आज बनाने हैं चावल। और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। और ये है सब्जियां जो लेकर आए थे दोपहर में, तो ये सूख चुकी है, मैंने वॉश कर ली थी, तो ये सब्जियां हैं आज ही लेकर आए हैं काफी टाइम से ना, क्योंकि आरना की दवाई लेने गए थे, डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर वो बैठे ही नहीं थे, तो फिर ये कह रहे थे, फिर वापस आए हमको छोड़ने आए, फिर कह रहे चलो मैं फ्रूट्स वगैरह ले आता हूँ, और इनको ये दिख गए थे काफी टाइम से खा नहीं रहे थे, तो ये ले आए, ये है। और आपको नारियल दिख रहा होगा ना, आज मैं बनाऊंगी, चाय नहीं बना रही आज मैं बनाऊंगी कोकोनट कूलर। कूलर मतलब वो वाला कूलर नहीं जो नॉर्मल कूलर होता है, वो वाला कूलर नहीं बनाऊंगी मैं, उसका नाम है। तो क्योंकि आपने आपको पता ही होगा कि 3-4 दिन से इतनी गर्मी हो रही है, और ये जो नारियल है ना, जहाँ हम पहले रहते थे वहां पर मिलता था 50-50 के 2 मिलते थे, और यहाँ पर मिला है 50 रुपए का एक, और इतनी गर्मी होती है, आज बाहर निकले तो उनको ये दिख गया और ये ले आए, क्योंकि आरना को ना ये नारियल बहुत पसंद है, नारियल पानी बहुत पसंद है, जहाँ हम पहले रहते थे प्लेन ज्यादा है। जहां हम पहले रहते थे ना, तो वहां पर आना रोक लेती थी, बालकनी में खड़ी हो जाती थी, उसको आवाज सुनाई दे जाती थी, और वो हम रोज लेते थे उससे, और नारियल पानी तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आज इसलिए मैं बनाऊंगी कोकोनट कूलर ड्रिंक। तो चलिए मैं बनाना शुरू कर देती हूँ, गर्मी देखो कितनी ज्यादा हो रही है, तो बनाना शुरू कर देती हूँ। झाड़ू वगैरह मैंने सब लगा लिया है, ये रह गया है। तो मैंने ले लिया है पुदीने के पत्ते हैं, नींबू, अदरक छोटा ही लिया है, और है ये है काला नमक, खत्म हो गया इसमें डालूंगी मैं, और ये है मलाई, नारियल की मलाई, नारियल पानी की, और ये है इसमें इतना बड़ा था वो नारियल देखने में, और सिर्फ 1 गिलास नारियल का पानी निकला है। तो मैं जा रही हूँ ड्रिंक बनाने के लिए, तो चलिए बना लेते हैं इसको कि कैसे बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे मैंने वो बताया था ना मोजिटो, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वैसे ही सब कुछ पड़ेगा इसमें, बस अदरक नहीं पड़ेगा, उसमें अदरक नहीं था बट मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ। और हाँ एक और चीज, ये खसखस का शरबत जो कि पतंजलि का है, और ये मुझे ये वो था ना क्या कहते हैं उसका गुलाब जल, जो गुलाब जल होता है ना, मुझे उससे ज्यादा ये ज्यादा अच्छा लगता है खसखस का,
तो एक ये पड़ेगा इसमें। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने ना मतलब सारे जो सामान है पहले पहले ही निकाल के रख लिए हैं। तो मैं ये जो नींबू जो पुदीना है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद जो नींबू है वो मैं इसमें डाल दूँगी। वैसे ही बनाना है जो जैसे मैंने मोजिटो बनाया था, मतलब उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वैसे ही पड़ेगी। तो यहाँ मैं जो नींबू है वो मैं काट रही हूँ। तो मुझे नींबू थोड़ा सा ही चाहिए था, ज़्यादा नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा काटा। वो कट भी नहीं रहा था क्योंकि चाकू मैंने दूसरा ले लिया था और वो चाकू गंदा पड़ा हुआ था, इसलिए मैं ऐसी से काट रही हूँ। और उसके बाद आप चाहो तो इसमें आप ना वो भी डाल सकते हो, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने नहीं करी हरी मिर्च ऐड। और इसके बाद फिर जो काला नमक है वो सब मैं भी इसमें डाल दूँगी। और इसको मैं हल्के से इसको मुझे दबाना है ताकि जितना भी उसका जो रस है वो अच्छे से निकल जाए। और इसमें मैंने काला नमक थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। अब इसको मैं अच्छे से उसको चला रही हूँ, मतलब कूट रही हूँ ताकि वो अच्छे से उसका जो जूस है वो अच्छे से निकल जाए। अब मैं इसमें जो कोकोनट पानी था, नारियल पानी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं 2 चम्मच के करीब मैं इसमें खसखस का रस डाल दूँगी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है खसखस वाला रस, क्योंकि एक तो ये ठंडा भी बहुत होता है, तो इसलिए मुझे ये सबसे ज़्यादा मुझे यही अच्छा लगता है। और इसमें इसके बाद मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि मुझे इसमें ना कोकोनट की मलाई डालनी है, इसलिए मैं उसको छान रही हूँ, क्योंकि सारा रस जो था वो इसमें आ चुका था। अब मैं जो ये जो मलाई मैंने काट के रख ली है तो इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी, और ये बहुत अच्छा होता है, आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखिए ये मेरे बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो आ जाइए आप सब भी इंजॉय करिए, कितना सुंदर सा लग रहा है ना, और ये पीने में भी उतना ही अच्छा था। और बहुत अच्छा बनता है ये। और ये चीज तो मैं जहाँ पहले रहती थी वहां पे ये हमेशा मैं बनाती थी हमेशा, और इस वाली घर में मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जो नारियल पानी है अब जाके मिला है। तो चलिए मैं इसको एंजॉय कर लेती हूँ, आप सब भी एंजॉय कर लीजिए, और आप सब भी जरूर ये वाली ड्रिंक बनाना, बहुत अच्छी होती है गर्मियों के लिए, तो ये बेस्ट वाली ड्रिंक है। तो चलिए मैं इसको एंजॉय कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो देखिए मैंने जो चावल जो थे वो मैंने गलाने के लिए रख दिए थे, थोड़े सी हल्के से मैंने कच्चे रहने दिए हैं। और उसके बाद मतलब मैं कपड़े की तह लगाने चले गई थी ना, तो उससे पहले मैंने चावल जो थे वो भी मैंने रख दिए थे कुकर में, कि अच्छे से धीरे धीरे पकते रहेंगे वो, और वो अच्छे से पक चुके थे। और फिर मैंने जो चावल मुझे आज आरना के लिए फ्राइड राइस बनाना है, तो उसी के लिए ही मैं सामान यहाँ काट रही हूँ। तो मैंने थोड़ी सी बीन्स ले ली है, थोड़े से गाजर है, और एक है प्याज, और बाकी मैं और कुछ नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि आना ये चीज़ें खा लेती है, बाकी कुछ चीज़ खाती नहीं है। और ये जो चीज़ डाल रही हूँ ये भी बहुत कम खाती है वैसे तो वो। और उसके बाद जब ये अच्छे से मैं इसको काट लूँगी ना, तो मैं सिंपल ही बनाऊँगी, क्योंकि और इस टाइम ना 6:30 का टाइम हो रहा था, क्योंकि आना को भूख भी लग रही थी, वो कह रही थी। तो मैंने यहाँ कढ़ाई रख ली है, और उसमें मैं रिफाइंड डाल दूँगी। और जो मैं मतलब प्याज काट रही थी ना, तो बहुत तेज़ आंखों में लग रही थी, और मुझे सच बताऊँ मुझे प्याज काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मुझे बहुत कम, मैं ज़्यादातर मैं प्याज जो है ना अपने हस्बैंड से ही कटवाती हूँ। और यहाँ जो है ये मैंने तेल भी अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। तो प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें बीन्स वगैरह गाजर ये सब ऐड कर दूंगी। और आना ने गेट खोल दिया था तो रोशनी काफ़ी तेज़ आ रही थी, फिर मैंने गेट बंद करवाया उससे। और इसमें जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, अब मैं इसमें हल्का सा नमक ऐड कर दूंगी, क्योंकि नमक मैंने चावल में जब उबालते वक्त भी मैंने चावल में नमक डाला था, इसलिए मैंने नमक थोड़ा सा कम डाला है। अब मैं इसमें जो है चावल ये भी इसमें ऐड कर दूंगी, और थोड़े से चावल जो है वो मैंने बचा लिए हैं, पूरे चावल नहीं डाले हैं मैंने। तो ये मेरे और आरना के लिए बहुत है,
तो यहाँ मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसमें सोया सॉस डाल दूँगी। और आधा ढक्कन के करीब मैंने लिया था, ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि आरना को मैं ये फ़र्स्ट टाइम दूँगी और वो ना खाए पता नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है। तो आरना ने ये बहुत अच्छे से खाया था, तो ये देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं ना, खिले खिले से बिल्कुल। और आरना ने फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ ऐसी है जो उसने बिल्कुल फिनिश कर दी थी, तो ये मुझे बहुत पसंद आए थे। नेक्स्ट टाइम भी उसके लिए ज़रूर बनाऊंगी। और आप सब भी ट्राई करना ये चीज़ बच्चों के लिए। तो आरना को मैंने खिला दिया था, और उसके बाद फिर मैं खाना खाने बैठ गई थी, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और आरना कह रही थी कि मम्मी मुझे सोना है, नींद आ रही है, नींद आ रही है। तो उसके पापा थोड़ी देर के लिए उसको बाहर ले गए, क्योंकि मैं खाना खा लूँ, नहीं तो वो तभी आती है जब मैं खाना खाने बैठती हूँ ना, उसको तभी नींद आती है, चाहे मैं लेट खाऊं चाहे मैं जल्दी खाऊं। तो फिर बस खाना वगैरह खाने के बाद मैं यहाँ बेडरूम में आ गई थी, मतलब रूम में, क्योंकि मैं सोच रही थी चलो आरना को सुलाते वक्त, सुलाने से पहले मैं ये रूम भी साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि उसको सुलाते वक्त मुझे भी, मेरी भी आँख लग जाती है और ये उठाते भी नहीं है, चाहे मेरा काम भी पड़ा रहे तब भी ये उठाएंगे नहीं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपना सारा काम आधा ना जो रात में ही निपटा लो, क्योंकि सुबह का टाइम इतना ज़्यादा काम होता है कि मतलब रात इतना टाइम हो जाता है ना काम करते करते, इसलिए मैं आधा काम रात को ही ख़त्म करके सो जाती हूँ। और उसके बाद फिर जो सारे जो बर्तन हैं वो मैं साफ़ करने जाऊँगी। तो मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं, और दूध जो था वो भी मैं उबालने के लिए रख दूंगी, क्योंकि मैं ना सो गई थी आरना को सुलाते वक्त, तो फिर मुझे एकदम से मेरी आँख खुली, आधे घंटे के लिए मैं सो गई, फिर मेरी आँख खुली, फिर मैंने थोड़े से अपने जो किचन का जो काम था, वैसे बर्तन तो मैं साफ़ कर चुकी थी, थोड़ा सा किचन तो हल्की सी मैसी हो रखी थी, इसलिए फिर मैंने वो सब साफ़ करा। और उसके बाद फिर मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है। अब नीचे थोड़ा सा मैंने हो जाती है नीचे थोड़ी सी गंदगी, तो वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। मैंने पोछा जो है वो ले लिया है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम कितना किचन में काम होता है और कुछ कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, फिर वो पैरों में आती तो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं रात को ये साफ़ करके रख देती हूँ, मतलब किचन अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। कभी कभार ही होता है जो नीचे चीज़ें गिर जाती है, रोज़ नहीं होता, तो आज ज़्यादा था और इसलिए मैं उस किचन में अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। झाड़ू नहीं लगा सकती, और क्योंकि रात में झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो यहाँ मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पर नए आते हो, मतलब नए आए हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।